अरे आराम से भाई, ओए आराम से। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ए दीदी आजा, ये देखना चलती ट्रेन से कैसे चढ़ेगी। तो भाई इनका जो सामान है वो सारा चोरी हो गया। और बाकी दोस्तों एंजॉय करो सन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ देश की राजधानी नई दिल्ली से। और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं राजगीर बिहार, काफी जानी मानी ट्रेन से जाने वाले हैं। 12392 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जाने वाले हैं जो कि दिल्ली और राजगीर के बीच में चलती है। और आज एक खुशखबरी भी है, वो खुशखबरी क्या है वो आपको अंदर जाके बताते हैं। तो दोस्तों देखिए आ चुके हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे नई दिल्ली के, और यहीं पे लगेगी हमारी श्रमजीवी। और देखिए भाई भीड़, ये सारी की सारी जो भीड़ है ये सारी की सारी श्रमजीवी से जाने वाली भीड़ है भाई। चलिए खुशखबरी बता देते हैं, जो हमारी टिकट थी ना भाई स्लीपर में, वो रेलवे ने अपग्रेड कर दी है और हमें दे दिया AC। 12:30 हो रहे हैं, देखिए हाहाकार मच गई है। और अपनी श्रमजीवी देखिए सामने से आती हुई, और देखिए भाई इधर हाहाकार मचना शुरू हो गई। देखिए भाई ट्रेन आ गई है हमारी, आगे की तरफ AC रैक होंगे लेकिन पीछे की तरफ जनरल होंगे। देखिए श्रमजीवी का अराइवल, और मात्र आधा घंटा पहले भाई लगाते हैं इसको। और देखिए ये मिथिला की पेंटिंग के साथ अराइव करती हुई हमारी श्रमजीवी। अब देखना जितनी भी ये सारी भीड़ है ना भाई, एकदम कैसे घुसेगी देखना। बाकी ये अपने भाई हैं, ये भी जाएंगे बिहार शरीफ। जय हो बिहार, जय हो बिहार। और देखिए भाई ये देखिए ट्रेन का गेट भी नहीं खुलने दे रहे हैं भाई। देखिए स्पाइडर, वो देखो भाई, वो देखो, ओ भाई ये देखो एक और स्पाइडर। ये देखो बैग कहाँ से निकाल रहे हैं। चलिए आप सीट करिए खबर, हाँ करिए आप। ये देखिए भाई भीड़, ओ भाई साहब, ओ हो रुकने दो भाई गाड़ी। ये देखना आप इधर देखना भाई, अब ये देखिए बोरे लदे लेकर, ये आंटी देखिए, आंटी रुकने दो ट्रेन को। ओ भाई ये देखो ये क्या है भाई, ये देखो अब देखना मारा मारी मचेगी। देखो भाई ये देखो जाने ट्रेन एक है, जाने वाले अनेक है। ये देखो, अरे आराम से भाई, ये देखो कैसे मारा मारी मची हुई है। ये देखो इधर से, ये देखो भाई को ठेलो। यहाँ जाली रोड दी है भाई, देखो ये देखिए ले लो जाओ, पूरी ट्रेन पैक हो गई है। और इस गाड़ी में सीट लेना एक भाग्य मतलब किस्मत की बात है भाई। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको इस ट्रेन में जनरल में सीट मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस की। तो ये जो ट्रेन है ये हर दिन 1:10 पे नई दिल्ली से निकलती है। 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 10:25 पे आपको राजगीर पहुंचाती है। 21 घंटे और 15 मिनट लेती है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, लगभग 30 हॉल्ट के साथ। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोच है वो अपग्रेड हो गया है, तो जो हमें कोच अलॉट किया गया वो B4 है, सीट नंबर है 71। तो यही है हमारा B4। और ये देखिए भाई ये भूल से चले गए थे आगे, और अभी इनको पता चल रहा है कि जनरल के रैक्स पीछे हैं, तो अभी दौड़ लगा रहे हैं भाई सारे पीछे। तो ये हमारी बर्थ 71, आपकी कौन सी है? आपकी उधर है। तो देखिए दोस्तों टाइम हो रहा है 1:10, और अपने निर्धारित समय से अपनी श्रमजीवी निकल चुकी है भाई नई दिल्ली। ये देखिए भाई नई दिल्ली को छोड़ती हुई अपनी श्रमजीवी सुपरफास्ट। डब्बे में अभी खड़ा हूँ, इसके ऊपर आपको मिथिला पेंटिंग्स दिख रही होंगी, कितनी ज़्यादा बवाल लग रही है भाई। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बिहार की सभ्यता को दर्शाती हैं, और हमारा ही यही कोच है। बाकी ये जो रैक्स हैं ये मुझे लगता है राजधानी के रैक्स हुआ करते थे, जब राजधानी तेजस हो गई तो उसको उसके रैक्स इसको दे दिए, श्रमजीवी को 2 रैक्स इसको दे दिए एंड कुछ कई और ट्रेनों को दे दिए। ये देखिए यमुना नदी को पार कर रही है हमारी श्रमजीवी।
आ रही है वो देखिए इंजन फेल हो चुका है उस ट्रेन का, वो मालदा टाउन से दिल्ली के बीच में चलने वाली, वो देखिए आगे बैग गुड्स का लोकोमोटिव लगा के लिए जा रहा है, वो देखिए फेल हो गया। तो दोस्तों नई दिल्ली से लगभग 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे जो अपना गाजियाबाद GZV गाजियाबाद का स्टेशन कोड है और गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। जी हाँ, अभी हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं यूपी में और गाजियाबाद का स्टेशन कोड है GZV और यहाँ पे ये ट्रेन अपने ऑन टाइम आई है और देखिए भाई 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है गाजियाबाद से निकलने के लिए। क्या चोरी हो गया? बैग चोरी हो गया, बैग। कि इस ट्रेन में सावधान हो के आए, अभी पीछे दीदी का पर्स बैग हर चीज चोरी हो गई है, ना इनके पास टिकट रही ना कुछ। और टीटी को बताया, टीटी क्या बोलता है ना, तो टीटी ने क्या बोला? आपने रिपोर्ट की टीटी को, पुलिस वाले को? नहीं, गाड़ी खुलने वाला था, मैं खुलने वाला था, हम लोग बैठे। आपने पुलिस वाले को बोला ना? नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला? नहीं, गाड़ी खुलने वाला था, मैं कहा गाड़ी छूट जाएगा। चोरी चोरी क्या हुआ? मेरे खाते में पैसा था, टिकट विकेट सब उसमें था, छोटा वाला देखो टांगने वाला, स्लीपर में था। सीट कौन सा था? सीट वेटिंग था। तो भाई इनका जो सामान है वो सारा चोरी हो गया और सीट इनका वेटिंग था ना, तो ये बेचारे अभी परेशान हो रहे हैं। टीटी बोलता है उतर जाए ना। कौन भगा रहा है? ओ भाई, पैर से भी लचा रहा है, इसीलिए तो हम नहीं कर पाए, दोनों पैर लचा रहा है, इसीलिए कंप्लेंट भी नहीं कर पाए, गाड़ी खुल गया, हम क्या करें। ओ तो भाई देखिए इनका पैर से भी लाचार है, बट मजबूरी नहीं समझ रहे इनकी कोई भी। आप अंदर बैठ जाइए, ठीक है? ट्रेन में हुआ ना चोरी? ट्रेन में चोरी हो गया, बैठ जाइए आप, आराम से जाइए यार, अब क्या करें भाई, मजबूरी है, चोरी हो गया, क्या कर सकते हैं, बैठ जाइए। हाँ उधर बैठो, उधर गिर जाओगे आप। हाँ उधर बैठिए भैया, आप इधर आ जाओ ना, थोड़ा बैठ। परेशान कर रहे ना, बोलना भाई लाचार है, पैर से ऊपर से सामान चोरी हो गया। हाँ, और जनरल कोच की हालत देखो भाई, इस ट्रेन में जो जनरल कोच है वो सारे के सारे पीछे लगे हैं, तो गलती ना करें, जैसे भैया से भी अभी गलती हो गई, भैया भी गलती से इसमें चढ़ गए है ना, चढ़ना था इनको जनरल में लेकिन चढ़ गए स्लीपर में। अब यहाँ से रास्ता भी नहीं है, देखो यहाँ से भाई रास्ता भी नहीं जाने के लिए, अभी टीटी आएगा तो देखेंगे, आने के टाइम पे आओ तो चेक कर लो, या तो आगे लगेंगे जनरल या पीछे लगेंगे। हाँ ये देखना भाई, अभी ये कैसे चढ़ेंगे ये लोग, ये देखिए किन्नर लोग कैसे चढ़ रहे हैं। ए दीदी आजा आजा, ये देखना चलती ट्रेन से कैसे चढ़ेगी, आराम से आ जाओ। ऐसी बात मत, क्या करो तुम भी, क्या बात? क्यों? ये देखो भाई लटकते हुए चढ़ रहे हैं भाई, देखो मुझे कहती है ऐसी बात मत किया करो, ये देखो कैसे लटकते हुए चढ़ रहे हैं। और सामने से गाड़ी आ रही है, देखिए एल्को लोकोमोटिव के साथ, सॉरी डीजल लोकोमोटिव है। हरिद्वार सहारनपुर दिल्ली, वो देखिए भाई ये क्या हो, ये चलती ट्रेन से देखिए कैसे चढ़ रहे उतर रहे हैं लोग, देखिए इस ट्रेन में यही होता है भाई, उधर भी वो देखिए, दिल खुश हो गया भाई ऐसा कर्म देख के, देखिए दिल ही खुश हो गया, रेल फैंडिंग हो तो ऐसी ही हो भाई, देखो कितना प्यारा कर्म है यार, नज़ारे देखो भाई श्रमजीवी के। तो लो भाई आ चुका हूँ अपने कोच में, एंड ऐसा कुछ कोच का सिचुएशन है, और जो मैंने सीट एक्सचेंज की है ना वो नीचे आंटी के साथ की है, क्योंकि भाई आंटी बोल रही थी कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगी तो तुम ऊपर लेट जाओ, तो मतलब ठीक है यार ऊपर लेट जाते हैं, इधर क्या दिक्कत है। सो ये बिछा ली भाई हमने चादर, बेड रोल पिलाना, चाय 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 करें चाय।
सो गुड इवनिंग दोस्तों, 166 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया दिल्ली से और पहुंच चुकी है दिस सिटी ऑफ ब्रास मुरादाबाद में। और जो अपना मुरादाबाद है ये इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 10 मिनट बिफोर आ गई है। अभी तक तो ये अपने राइट टाइम पे चल रही है एंड आई होप कि आगे भी ये राइट टाइम पे ही चलती रहे, क्योंकि मुझे पता है ना आगे बरेली के आगे ये बहुत लेट हो जाएगी। बाकी मुरादाबाद जाना जाता है अपने पीतल के वर्क के लिए। ये देखिए पीतल की घंटियाँ कितने कितने हुए है, 200-300 की। बाकी ये 200-300 की आपको पीतल का पूरा मुरादाबाद का ही है ना बनावट, ये पूरी मुरादाबाद की बनावट है। और जो अपना मुरादाबाद है वो इसी के लिए जाना जाता है भाई, देखो पूरे ब्रास वर्क के लिए, देखो काफी प्यारा आइटम्स है। देखिए केला की 60 रुपये 10 के दे दो, 10 के। अपने भाई तिलक लगा के आ रहे हैं, डिब्बा भी यही खा रहे हैं। कहाँ जाओगे, बिहार? तिलक लगा के आ रहे हैं, बिहार ही हूं यार, क्या मिठाई खा रहे हैं भाई अपने। बिहार का हूं मैं। बिहार के हो? बिहार के कहाँ से? दरभंगा। हाँ तिलक लगा के आ रहे हैं ना। तो भाई देखिए शाम के 4:10 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन निकल गई है मुरादाबाद से, अपने राइट टाइम पे निकली है भाई। किस नाम से? यही पे रुकती देर और ज्यादा कहीं नहीं। देखिए मुरादाबाद से छूट गई है हमारी ट्रेन और अभी आपको दिखाते हैं राम गंगा नदी जो कि मुरादाबाद के जस्ट आगे आएगी। बाकी मुरादाबाद अपना जंक्शन इसलिए था क्योंकि एक लाइन यहाँ से रामनगर को चली जाएगी, चौदोसी को चली जाती है, दोनों की दोनों ब्रांच लाइनें। और पीछे से आपको पता है दिल्ली वाली लाइन आ रही है और एक आती है रुड़की वाली, एंड सीधी अभी हमारी ट्रेन जाएगी रामपुर बरेली वाले रूट पे। और अभी आपको दिखाते हैं राम गंगा, है ना, राम गंगा ही आएगी ना अभी नदी, छोटी गंगा जी। हाँ छोटी गंगा। और देखिए भाई भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे मुरादाबाद, ये सारी उस ट्रेन से उतरी है ना, लोकल ट्रेन से। हाँ जी मुरादाबाद क्रॉस किया है अभी। हाँ खाना पीना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी अब। हाँ हल्का फुल्का ले लिए, बाकी बरेली में चाय वगैरह पियेंगे। तो ये आगे भाई छोटी गंगा, अपनी राम गंगा थी ना ये गंगा में से ही निकलती है, यानी कि हरिद्वार से जो गंगा आती है उसी में से निकलती है और गंगा में ही मिल जाती है। सो गुड इवनिंग दोस्तों, 256 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है बरेली जो कि इसका तीसरा हॉल्ट है। और यहाँ पे 26 मिनट की देरी से आई थी अपनी श्रमजीवी और भाई मैं क्या बताऊँ, भाई सो गया था यार, मेरी आँख लग गई थी। जैसे ही मेरी आँख एकदम से खुली और देखा भाई हमारी ट्रेन बरेली में खड़ी है, तो मैंने सोचा यार बरेली वाले भाई नाराज हो जाएंगे, इसलिए बरेली को कवर कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या कर रहा है स्पाइडरमैन? बरेली से और देखिए टाइम भी लगभग 5:45 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है, 5:50 हो रहे हैं। बाकी ये देखिए अपनी ट्रेन अभी स्किप कर रही है बरेली कैंट को। बाकी दोस्तों एंजॉय करो सन सेट को, देखिए इतना प्यारा सनसेट हो चुका है। और अपनी ट्रेन देखिए कितनी रफ्तार से भागती हुई हमारी श्रमजीवी।
सीनियर डीसी है ना, सीनियर डीएम, सीनियर डीसी। तो भाई ये चढ़े थे हमारी ट्रेन में सीनियर डीआरएम मुरादाबाद के और उनके साथ अन्य ऑफिसर थे और ये चेक कर रहे थे जो भी अन्य लोग, जो भी फालतू के लोग नहीं चढ़ते हैं उनको चेक कर रहे थे। और भाई जो कोच अटेंडेंट है ना उनकी भी इन्होंने दबा के रखा है। और देखिए हमारा सूरज भी पूरा ढल चुका है। ज़्यादा प्यारा लग रहा है अपना शाहजहाँपुर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है ना, थोड़ी थोड़ी लाइट रही है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सारी भीड़ देखिए कि सारी इसी ट्रेन से जाने वाली है, जो आप सामने की तरफ भीड़ देख रहे हो ना जो भी आ रही है, ये सारी इसी की तरफ इसी ट्रेन से जाने वाली है। सो दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 6:50 दिल्ली से लगभग 326 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने फोर्थ हॉल्ट पे जो अपना शाहजहाँपुर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन 3 मिनट की देरी से आई है अपनी श्रमजीवी। और शाहजहाँपुर से थोड़ी बहुत ट्रेन खाली हो चुकी है, देखिए कितने ज़्यादा यात्री यहाँ से डिवोर्ड हुए हैं। देखिए दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है शाहजहाँपुर से। और दोस्तों जो अपना शाहजहाँपुर था ना यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म थे और ये जंक्शन इसलिए था क्योंकि एक ब्रांच लाइन यहाँ से पीलीभीत को जाती है और दो मेन लाइनें एक चली जाती है सीतापुर को और एक जाती है सीधी लखनऊ को। निकल गई अपनी ट्रेन शाहजहाँपुर से और अभी बात कर लेते हैं अपनी ट्रेन में कोच कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे आगे की तरफ लगा है इसमें लोकोमोटिव, उसके पीछे लगा है SLR, उसके पीछे लगा है जनरेटर कार, उसके पीछे लगे है एक फर्स्ट AC का, उसके पीछे लगे है 2 सेकेंड AC के, उसके पीछे 6 लगे हैं 3rd AC के, उसके पीछे 6 ही लगे हैं स्लीपर के, उसके पीछे पेंट्री कार, उसके पीछे 4 जनरल कोच, उसके पीछे फिर जनरेटर कार। तो यही अपनी ट्रेन की कोच कॉन्फ़िगरेशन। दादी मैं कितने का भेज रहे हो गुटका? 20 का 3। बहुत गुटके हैं ना, बहुत ज्यादा गुटके हैं ना। दादी रोज के कितने बिकते हैं? अरे भाई गाड़ी में 4-5 पैकेट बेच कितने के भाई चौमिन? 40 40 के देना। 7:30 हो रहे हैं और हमने लिए अभी चौमिन। ये देखो भाई ये आगे इनके चौमिन। हमें लगता है कि हमसे पहले कोई यूट्यूबर यहाँ पे आ चुका है और इनकी क्लास ले चुका है, इसलिए हर एक चीज़ सही सही प्राइस से बेची जा रही है, चाहे पानी हो चाहे चौमिन हो। और खाना भी पूछेंगे अभी, रात को खाना लेंगे, अगर कोई बेचने वाला आता है तो लेते हैं, अदरवाइज़ हम पेंट्री में से लेंगे। आगे इनके चौमिन भाई, अभी रेटिंग दे देते हैं कितनी रेटिंग देंगे हम इसको, टेस्ट करते हैं कैसे है श्रमजीवी के चौमिन। टेस्ट की बात करें तो इतने भी अच्छे नहीं हैं, एवरेज है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। देना भाई लगभग 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई खाने वाला ही नहीं आया, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। ये लिए मैंने श्रमजीवी की रबड़ी, ये देखो ऐसी है कुछ रबड़ी, तो खाते हैं अभी रबड़ी है, ये देख लो ऐसी है कुछ रबड़ी। अभी खाना आता है तो खाने का रिव्यू करेंगे इस ट्रेन का खाना कैसा, बट आ ही नहीं रहा यार, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि सुबह ही खाया था, जो खाया था उस वक्त कुछ खाया ही नहीं भाई। कुछ कम करे तो देना रोटी। हाँ रोटी तो है स्टैंडर्ड वेज है ना ये। हाँ नहीं नहीं बस बस। लगभग 8:10 हो रहे हैं और हमें खाना मिल चुका है, कि शायद इन्होंने पनीर दे दिया। देखिए जिस बात का डर था वही हुआ, अब फिर से कंप्लेन करनी पड़ेगी भाई, खाना है भाई एकदम
लाजवाब लग रहा है भाई। ये देखिए रोटी भी है, बाकी दही नहीं है इसमें, नैपकिन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिस हैं जो कि 80 रुपए वाली थाली में होनी चाहिए थी। सिर्फ इन्होंने दही की जगह पे पनीर दे दिया है। प्राइस नहीं बढ़ेगा ना भाई पनीर देने से, बाकी पनीर ही ट्राई करते हैं दूसरे वाले। पनीर तो भाई गर्म है एकदम। और ये आगे इनके आलू, आलू भी ठीक ठाक है गर्म गर्म। दाल भी अच्छी है भाई, फर्स्ट टाइम अच्छा खाना मिला ट्रेन में। लो भाई लखनऊ पहुंचने वाले हैं कुछ देर में हम। अंधेरे में जब ट्रेन चलती है ना और लाइटें लगी होती हैं तो बात ही अलग होती है यार। देखो डैशिंग लुक लग रही है एकदम। संकेत हो चुका है, ये गाड़ी कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। तो टाइम हो रहा है लगभग 9:05 हो रहे हैं और दिल्ली से 494 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जो लखनऊ है ना ये इस ट्रेन का 5वां होल्ट है और ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 15 मिनट बिफोर आ गई है। 9:20 पे टाइम था यहाँ पे और 10 मिनट का स्टॉप भी है यहाँ पे। अब ये ट्रेन लगभग आधा घंटा रुकेगी भाई लखनऊ चारबाग पे, और मैं चाहूँ ना मैं बाहर जाके खाना वाना ला सकता हूँ क्योंकि आधा घंटा भाई रुकेगी अपनी ट्रेन लखनऊ चारबाग पे। बाकी LKO इसका स्टेशन कोड है। तो देखिए भाई निकल गई अपनी ट्रेन लखनऊ से। वाह यार पेंट्री वाले इतने समझदार कब से हो गए, मतलब देखो इन्होंने पनीर दिया भाई और अभी मैंने पूछा कि भाई कितने रुपए हुए तो चुपचाप बोलता 80 रुपए दे दो। तो मैंने आपको पहले ही बोला था भाई दोपहर को कि इस ट्रेन में पक्का कोई यूट्यूबर इनकी क्लास ले गया, इसलिए ये बिल्कुल सुधर चुके हैं भाई। एक भी शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं कसम से पेंट्री वाले भाई, एक भी शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं। चलो बाकी अच्छा लग रहा है हमें इंडियन रेलवे ऐसे तरक्की कर रहा है, एकदम परफेक्ट रेट दिया जा रहा है हर एक चीज़ का प्रॉपर भाई, 1 रुपये का घपला नहीं है भाई। चलो हम भी जा रहे हैं अभी सोने के लिए क्योंकि लखनऊ से डिपार्चर दिखा दिया, सीधा आपको सुबह मिलते हैं जहाँ पे नींद खुलती है। ठीक है गुड नाइट हैव ए स्वीट ड्रीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है श्रमजीवी में। अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बिहार में, वो तो कब की पहुँच चुकी थी सुबह की, लेकिन मैं अभी उठ रहा हूँ। टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं और 1 घंटा लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। देखिए भाई कितनी स्पीड से चल रही है अपनी 130 की रफ्तार से अपनी श्रमजीवी, एकदम फाड़ती हुई जा रही है भाई। देखिए तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7:15 और 914 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया दिल्ली से और पहुंच चुकी है अपने 17th हॉल्ट पे जो अपना आरा की। आरा जो अपना है ये जाना जाता है देवी अरण्य की मंदिर की वजह से, तो देवी अरण्य है उस वो वन की देवी है उन्हीं की वजह से आरा का नाम आरा पड़ा। देखिए दोस्तों आरा से डिपार्चर अपनी श्रमजीवी सुपरफास्ट का। तो जी बाय बाय आरा। तो फाइनली भैया हम पटना में पहुंच चुके हैं। ये देखिए दानापुर से डिपार्ट कर रही है अपनी ट्रेन एंड ये पटना से थोड़ी पीछे बढ़ता है देखिए। तो दिल्ली से लगभग 1003 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी ने कवर कर लिया और भाई पहुंच चुकी है बिहार की राजधानी पटना में। और जो अपना पटना है ये इसका 21वां हॉल्ट है जिसका स्टेशन कोड है PNVE और 10 मिनट का यहाँ पे
हॉल्टिंग टाइम है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 1 घंटा और 14 मिनट की देरी से आई। बाकी पटना में हमारी जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, टोटली भाई खाली हो चुकी है ट्रेन। देखिए जितने भी पैसेंजर थे वो सारे के सारे उतर गए हैं। जाओगे कहाँ आप? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ टीटी आ गया तो फिर आएगा, पीछे चलेगा। हाँ 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 ये भाई बिहार में अजीब ही। मैंने इनको बोला कि आप एसी में आ गए और वो दूसरे एसी में घुस गए। तो भाई देखिए निकल गई अपनी ट्रेन पटना से, देखिए निकल गई अपनी ट्रेन भाई पटना से, बिहार की राजधानी। कौन है रे बिहार की राजधानी? पटना से निकल, पटना जंक्शन। तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 9:45 हो रहे हैं और 1013 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी सुपरफास्ट ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 23rd हॉल्ट पे जो अपना पटना साहिब। और हम इस हमने इस ट्रेन को पटना साहिब में ही छोड़ दिया है। तो देखिए निकल गए अपनी श्रमजीवी पटना साहिब से। बाकी सामने से आ रही है राजेंद्र नगर से दुर्ग के बीच में चलने वाली। तो करते हैं इस जर्नी को यही पेंट। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा ओपिनियन यही है कि सही है, मतलब हमारा जो सीट था वो स्लीपर में था लेकिन रेलवे ने अपग्रेड करके हमें एसी में डाल दिया तो अच्छा लगा हमें जर्नी करके। साफ सफाई भी ठीक ठाक थी और खाना भाई खाने को देख के हम इम्प्रेस हो गए। जो भी खान पान था वो एकदम परफेक्ट रेट पर लगाया जा रहा था इस ट्रेन में, तो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया गाड़ी थी अपनी श्रमजीवी। ठीक है आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। ठीक है बाय बाय, जय हिंद जय भारत।